I am Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak with one amazing class associated with your prelims examination in a quick recap. So guys, in this class, as we have already discussed the head and forehead ornaments, in this particular class, we are going to discuss the ornaments associated with your ear. तो भैया already सुन चुके हो ना बहुत बार झुमका कहाँ कहाँ बरेली वाला तो उस झुमके के अलावा क्या क्या नाम है इस झुमके के वो जान लेते हैं इस एक क्लास के अंदर तो आइए फटाफट से कवर करते हैं ornaments associated with your ear in this class only with the mnemonics, right? कि मतलब याद नहीं रहते हैं अक्सर तो mnemonics होने चाहिए जैसे कि मैंने कल कराया था है ना मोर के शीश पर बोर रखा था याद है कि नहीं याद है तो बस वैसे ही कुछ और आपके mnemonics हैं जो आपको याद रहेंगे जिसके थ्रू आप ईजिली याद कर पाएंगे कि कौन कौन से ऑर्नामेंट्स थे बट बिफोर वी बिगिन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू दैट प्लीज सब्सक्राइब टू सम्यक सिविल सर्विसेज एंड सम्यक सिविल सर्विसेज इन इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स एज थ्रू दीज चैनल्स यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ द फर्दर क्लासेस एंड द फेवरेट क्लासेस ऑफ योर एजुकेटर्स टाइमिंग्स एंड एक्सेट्रा सो लेट्स बिगिन अ क्लास द टॉपिक फॉर द डे स्टेट्स दैट वी विल बी कवरिंग अप द ऑर्नामेंट्स तो सबसे पहले तो बहुत सुंदर सा क्या कर लेते हैं ऑर्नामेंट्स को लिख लेते हैं है ना क्योंकि अब क्लास है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग विजाइनिंग हो जानी चाहिए क्योंकि पढ़ ही क्या रहे हैं ऑलरेडी हम लोग पढ़ ही रहे हैं आपके डिज़ाइनर चीज़ें है कि नहीं डिज़ाइनर मैम बिल्कुल डिज़ाइनर ही यही है सारी चीज़ें तो ऑर्नामेंट्स ऑफ ईयर ठीक है तो कवर कर लो ये ऑर्नामेंट्स ऑफ ईयर इस एक क्लास के अंदर एज वी विल नॉट बी डिस्कसिंग देम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल्स एंड फर्दर यू विल बी गेटिंग द क्लासेस ऑन द एप्लीकेशन ओनली चलो कि झुमका है देख लेना व्हाट डिज़ाइन से बनाया है यू कैन गिफ्ट सम ऑफ दीज लाइक थिंग्स टू योर फ्रेंड्स इन लाइक वाइव्स एंड एवरीवन ईच एंड एवरीवन एट योर होम्स तो ऐसी चीज़ें गिफ्ट करना ताकि उनके भी काम आए चलो तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आजकल किन चीज़ों का ज़माना है एज वी हैव ऑल हैव लाइक ऑल आर शिफ्टिंग फ्रॉम द आर्टिफिशियल थिंग्स टू द नेचुरल स्टफ तो हमने क्या देखा कि सबसे अच्छी ज़्यादा सबसे सक्सेसफुल चीज़ क्या है ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और ऑर्गेनिक जिन पे मम्मी ट्रस्ट करती हो ठीक है ऑर्गेनिक चीज़ें वो जिन पे मम्मी ट्रस्ट करती हो तो बस क्या करना है उन्हीं के बारे में लिखना है तो देखो माँ के क्योंकि मम्मी है तो मम्मी सही बताती हैं माँ के एंगल से मम्मी के एंगल से टॉप का ऑर्गेनिक है ना क्योंकि ऑर्गेनिक का जमाना है ना टॉप का ऑर्गेनिक जैम जैम नहीं खाते बटर और जैम ब्रेड पे लगा के जैम कहाँ का है भैया तो ये जैम है बाली के पीपल के फूल का कहाँ का है ये मम्मी के हिसाब से अगर हम बात करें तो मेरी मम्मी के हिसाब से तो टॉप का ऑर्गेनिक जैम बाली के पीपल के फूल का है माँ के अकॉर्डिंग या माँ के एंगल से हम कहते हैं ना कि मेरे एंगल से तो मुझे क्या दिख रहा है स्टार दिख रहा है तुम्हारे एंगल से तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है तो उसमें तुम्हारी गलती है मेरी नहीं है ठीक है तो माँ के एंगल से टॉप का ऑर्गेनिक जैम बाली के पीपल के फूल का है तो अब इसमें क्या क्या बनते हैं जरा कमेंट करके बताओ कौन से ऐसे इयररिंग्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि मैम बन रहे हैं मैं बता देती हूँ जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे जो आपको हेल्प करने के लिए वर्ड्स यूज़ करे गए हैं वो मैंने हिंदी में लिखे हैं ठीक है जो आपको हेल्प करने के लिए वर्ड्स हैं जिनका कोई टर्म नहीं है वो हिंदी में है ठीक है बाकी सबसे कोई ना कोई एक आपका ऑर्नामेंट बन ही रहा है बाकी सबसे
कोई ना कोई एक ऑर्नामेंट बनी रहा है। तो अभी तो मम्मी की बात करने, दोस्तों की भी करेगी, जल्दी से बताओ ज़रा कौन कौन से आपको लग रहे हैं कि यहाँ पे आपके ऑर्नामेंट्स हैं जो आपको पता है कि होते हैं, बताओ। कुछ तो पता होगा, जैसे चलो सपोज माँ से बता दो कि माँ से कौन सा ऐसा ऑर्नामेंट है जो आप कान में पहनते हो या आपने सुना है कि वो कान में पहनने वाला होता है। यस, हाँ जी, कोई है ऐसा, कोई है ऐसा? मैं बता दूँ, चलो लिखो फिर जल्दी से, बता रही हूँ। तो ये म से बन रहा है माकड़ी, है ना। एंगल से बन रहा है अंगोटिया। टॉप से बन रहा है टॉप्स। ऑर्गेनिक से बन रहा है ओगणिया। फूल से बन रहा है पीपल। से बन रहा है जैम। से बन रहा है और बाली से बन रहा है। तो बाली से बन रहा है बाली। फूल से क्या बनेगा? पीपल फूल। अच्छा, ये थोड़ा उल्टा हो गया है यहाँ पे, मैंने क्या एरो गलत लगा दिए थोड़े। तो अभी एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं अपन। ये क्या उल्टे एरोज हो गए। ओगणिया तक आ गया है आपको समझ में, मेरे हिसाब से, है ना। ओगणिया तक आ गया है। अब देखो जैम का क्या है, लिख लो इधर। जमेला इधर लिख देती हूँ। जैम का है जमेला, ठीक है। फिर है बाली। तो बाली तो अपने आप में ही पहनते हैं, आप लोगों को पता ही है बाली क्या होती है, है ना। कहते हैं ना कि मम्मा कान की बाली तो दिला दो एक बार मेरे को एक, है ना। तो वही बाली की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बाली इंडोनेशिया हेयर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बाली एसोसिएटेड विद योर इयररिंग्स। इयररिंग्स में भी पहनते हैं ना, ऐसे राउंड शेप्ड होती है, अगर आपने देखा हो, इस तरह से पहनी जाती है बाली, जिसमें अगर आप चाहो तो कुछ छोटी मोटी लटकन लटक जाती है। मैं यूजुअली बालियाँ और चांद बाले ये कानों में पहने जाते हैं। अगर चांद बालों की बात आती है तो इस मून शेप की, क्रेसेंट मून शेप की होती हैं। ऊपर कुछ टॉप्स लगा हुआ होगा, लटकन से जुड़ी हुई होगी, फिर नीचे कुछ टॉप लटका हुआ होता है। तो इस तरह के आपके कुछ चांद बाले भी होते हैं, इसमें स्टोन्स लगे हुए होते हैं या वॉट एवर थिंग्स, ये होता है चांद बाला। तो मतलब बालियों में भी कैटेगराइजेशन होती है, ठीक है, क्लियर है इतना। माकड़ी, यहाँ पे माकड़ी एक बोलते भी नहीं है कोई भी, अगर कोई स्किप हो जाता है तो। यहाँ माकड़ी है, माकड़ी, अंगोटिया। टॉप्स को भी आपको पता होगा, टॉप्स कौन सा होता है जो बिना लटकन का होता है। टॉप्स कौन सा होता है जो बिना लटकन का होता है? सिर्फ मम्मी के पास में नहीं हुआ, एक यहाँ पे कुछ स्टडेड डायमंड होगा, यहाँ पे रूबी लगे हुए होंगे, यहाँ हरा गुलाबी रंग का स्टोन होगा। ये जो है जिसमें पीछे पेच निकला हुआ होता है वो होते हैं टॉप्स। ये होता है आपका टॉप्स नॉर्मल। इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें सिर्फ आपके कान में ईयर लोब्स पे ऊपर पहनने का जो होता है सिर्फ बिना किसी लटकन के, वो आपका क्या कहलाता है, टॉप्स होता है। ये होता है टॉप्स, ठीक है। इज दिस मच क्लियर, इज दिस मच क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओगणिया। ओगणिया भी कान में पहनने का ही होता है। अब क्या होता है, किसी किसी में आपकी लटकन जो होती है वो पीछे से आती है। अगर आपने देखा हो जो ब्राइडल वेयर होता है यूजुअली, उसमें जैसे सपोज ये है आपकी बाली, अब इस बाली में ही यहाँ से आपकी लटकन होती है जो आपके हेड पे जाती है ना, जो आपके यहाँ पे लटकती है, उस तरह की उसमें भी लटकन 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 लटकन, वो कैटेगराइजेशन आपके कुछ ट्राइबल एरियाज का, कुछ आपके एंसेस्ट्रल एरियाज का आ जाता है, जो किसके अंदर आ जाएगा, आपके ओंगणिया और अंगोटिया के अंदर आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है, इतना क्लियर है? चलो अब बचता है पीपल। पीपल से क्या बनता है लिख लो इधर, पीपल से क्या बनता है लिख लो इधर। पीपल से भी क्या बन गया, पीपल फूल, पीपल फूल। अब दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एन इयरिंग ओनली, इन विच देयर इज नो ड्रॉपलेट्स अबव, सिर्फ नीचे बना हुआ होता है ये, ऊपर कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ लूप में डालने का होता है नीचे वाला पीपल फूल। फिर है फूल,
now with the फूल you have फूल झुमका. कौन सा हो गया फूल झुमका? तो भैया फूल झुमका तो ये रहा, फूल झुमका मैंने बना ही दिया था. दिस इज फूल झुमका. ऊपर आपका फ्लावर बना हुआ है और उसके पीछे टॉप्स होता है आपका एक, और ये झुमका होता है, झुमकी लटक रही होती है, फूल झुमका. तो सबसे पहले हो गए माँ के एंगल से टॉप ऑर्गेनिक जैम बाली के पीपल के फूल का है. माकड़ी अंगोटिया टॉप्स ओगनिया जमेड़ा बाली पीपल फूल और फूल झुमका. ये हो गई एक निमोनिक, ये हुई है निमोनिक नंबर वन फॉर द ऑर्नामेंट्स ऑफ ईयर. ठीक है, अब याद करेंगे दूसरी निमोनिक. ये तो समझ में आई गई डिजाइन विजाइन तो है ना. दूसरी निमोनिक, तो भैया दोस्त कितने जरूरी हैं आपकी लाइफ में? आप में से कितने लोग हैं जिनके दोस्त बहुत जरूरी हैं, एग्जाम में भी बहुत हेल्प करते हैं और बाकी लोगों में भी बहुत हेल्प करते हैं? बताइए. हाँ जी बताइए, कितने लोग हैं जो हेल्प करते हैं आपकी? अच्छा, और इतने कितने लोग हैं आप लोगों की लाइफ में जो दोस्त हैं आपके और वो बाहर जाते हैं जब आपके लिए कुछ लेके आते हैं? लाए क्या आज तक कभी कुछ? तो देखो, हम सब ने सुना है कर्ण. कर्ण याद है, महाभारत वाला याद है? तो कर्ण का फ्रेंड, कुछ उसके लिए लेकर आता है. क्या लाया? लाया उसके लिए कोयल. अच्छा, और कहाँ से लाया? सूरत से. कहाँ से लाया? सूरत से. तो कर्ण से तो क्या हो गया अब आपका यहाँ पे? कर्ण से तो हो गया कर्ण फूल, कानों में पहनने वाला फूल. कर्ण फूल अपने आप में एक इयरिंग है. ठीक है, फ्रेंड से फ का हो गया, फ्रेंड है, साउंड सेम ही है, फंडी. ठीक है, ठीक है. लाया के ल से हो गया लटकन. लाया के ल से क्या हो गया? लटकन. कोयल से हो गया कोकरू, और सूरत के सू से हो गया सुरलिया. कोयल के को से हो गया कोकरू और सू से हो गया सुरलिया. तो हो गया कर्ण फूल, फंडी, लटकन, कोकरू, सुरलिया. क्या ये क्लियर है? ये हो गया दोस्त का. कर्ण का फ्रेंड लाया कोयल सूरत से. कहाँ से लाया भैया कोयल? सूरत से लाया. और सूरत और कर्ण का रिलेशनशिप अपन महाभारत से बता सकते हैं, है ना. ये वही द्वारका वाला एरिया हो गया है, अपना गुजरात वाला एरिया हो गया. ठीक है, तो कृष्ण जी थे वहाँ पे, तो कर्ण का दोस्त कहाँ गया? कृष्ण जी से मिलने के लिए गया. और वो कोयल से जब वो आ रहा था तो क्या लाया? सूरत से कोयल लाया. ठीक है, तो कर्ण का फ्रेंड, कर्ण फूल, फंडी, लटकन, कोकरू, सुरलिया. अब ये दो निमोनिक्स मैंने आपको याद कराए हैं, ये दोनों ही एक बार आप वापस से देख लो, यहीं पे लिख लेते हैं ताकि वापस से याद रहे. ठीक है, चलो तो अपनी मम्मी जी से शुरू हो जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट चीज़ जो माँ ने बोली, क्या बोली माँ ने? क्या कहा? माँ के एंगल से अंगोटिया टॉप का जैम, टॉप का ऑर्गेनिक जैम ओगनिया जमेला बाली के पीपल के फूल का है. ठीक है, माँ के एंगल से टॉप का ऑर्गेनिक जैम बाली के पीपल के फूल का है. ठीक है, समझ में आ गया? तो लिख लो, बस मार्क कर लो इसको. एक ट्रिक तो ये हो गई, यहाँ किया सक्सेसफुल. और मैम दूसरी आपने क्या बताई? कर्ण का फ्रेंड,
तो कर्ण का, अब ये नॉर्मल वर्ड था, फ्रेंड, फंडी, लाया, लटकन, कोयल, कोकरू, सूरत से सुरलिया। कितने लिखे अपन ने पीछे, दो बार में कितने लिखे, नंबर दे दो इनको और फिर इसके बाद में काउंट कर लो कितने लिख लिए यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Here also we have written 1, 2, 3, 4, 5, 6. पीपल फूल एक है 7, फूल झुमका एक है 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो इन टोटल वी हैव रेड ऑलमोस्ट लर्न 13 ऑर्नमेंट्स टू बी वॉर्न इन द ईयर बाय योर ब्यूटिफुल लेडीज, राइट। तो इन सब के नाम याद कर लो, एग्जाम में पूछ सकता है कि आभूषणों के अंदर कान में पहनने वाले आभूषण कौन से हैं। तो ये सब हैं। अब ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, कर्ण फूल आप समझ जाते हो, शीश फूल, हथ फूल। शीश फूल है तो सिर में पहनने का है, कर्ण फूल है कान का है, हथ फूल है हाथ का है, पग फूल है पैर का है। ये सारे वेरियस आपके फूल हैं जो आप अक्सर पहना करते हैं, ठीक है। सो आई होप दे आर लाइक वेरी इंटरेस्टिंग और ये ट्रिक से आपको क्लास के अंदर याद भी हो गया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट ऑर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सो सी यू देयर गाइस इन अ वेरी अमेजिंग सेशन एंड ऑल्सो टू बी नोट डाउन गाइस, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी हैविंग अ ग्रेट लाइक सेशन एसोसिएटेड विद द डिफरेंट ऑर्नमेंट्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड विद यू ऑल। अलॉन्ग विद देम वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स टू एसोसिएटेड विद दीज टॉपिक्स ओनली इन द फर्दर क्लासेस। सो स्टे ट्यून्ड टू सम्यक सिविल सर्विसेज इन इंग्लिश एंड सम्यक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर क्लासेस अपडेट्स एंड फॉर नाउ दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू वेरी सून।